हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाईटी स्टेशनरी पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हमारे पास ये देखिए गाइस, फ्लेयर की तरह से आने वाला कार्बोनेक्स जेल पेन, जो कि इस मार्केट में 10 रुपए के हिसाब से नॉर्मली मार्केट में मिल जाता है। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम इसका डिटेल में रिव्यू करेंगे। एंड गाइस, वाटर प्रूफिंग टेस्ट भी करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इसकी इंक वाटर प्रूफ है या फिर नहीं है। एंड गाइस, लास्ट में मैं अपना वर्डिक्ट दूंगा कि आपको ये पेन बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पेन के ओवरव्यू से। तो गाइस, आप देख सकते हमारी पूरी पैकिंग हमें कुछ इस तरह की देखने मिलती है, जिसमें गाइस हमारे यहाँ पे फ्लेयर की ब्रांडिंग हमें देखने मिलती है। एंड गाइस, यहाँ पे हमारे कार्बोनेक्स जेल पेन लिखा हुआ देखने मिलता है। एंड गाइस, सबसे मेन हमें यहाँ पे लिखा हुआ देखने मिलता है वाटर प्रूफ जेलिंग। तो गाइस, ये हमारा वाटर प्रूफ होने वाला है। तो गाइस, इसका हम टेस्ट भी करेंगे, मैंने आपको बता दिया। एंड गाइस, इसकी बैक साइड की बात करें तो गाइस, ये देखिए हमारी बैक साइड कुछ इस तरह से देखने मिलती है, जिसमें हमें MRP लिखा हुआ देखने मिलता नहीं। तो गाइस, आप देख सकते हमारे पेन अनबॉक्स होने के बाद कुछ इस तरह से हमें पैकिंग में देखने मिलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं एक पेन को उठा लेता हूँ। तो गाइस, ये देखिए हमारी पैकिंग काफी बढ़िया हमें देखने मिलती है, पूरी हैवी प्लास्टिक का यूज किया पैकिंग करने में। तो गाइस, यहाँ पे हमारी फ्लेयर की ब्रांडिंग हमें देखने मिलती है। एंड गाइस, बाहर से पैकिंग काफी ज्यादा यूनिक हमें देखने को मिल जाती है। एंड गाइस, बैक साइड फ्लेयर की ब्रांडिंग। एंड गाइस, इसका MRP 10 रुपए देखने को मिलता है। तो गाइस, ये देखिए हर पेन के ऊपर हमें यहाँ पे वाटर प्रूफ जेलिंग जरूर लिखा हुआ देखने मिलता है। तो गाइस, सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, ओपन करने के बाद हमारा पेन कुछ इस तरह की बॉडी में हमें देखने मिलता है, जिसकी गाइस बैरल हमें ग्लॉसी फिनिश में हमें देखने को मिलती है। एंड गाइस, इसका जो कैप हमें देखने मिलता है थोड़ा सा मैट। एंड गाइस, थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश में हमें देखने मिलता है। एंड गाइस, कैप के ऊपर हमें यहाँ पे लिखा हुआ देखने मिलता है, ये देखिए ब्लू कलर की जो निशान सा बना हुआ है, इसमें हमें जेल लिखा हुआ देखने मिलता है। एंड गाइस, बैक साइड भी इसकी बिल्कुल ब्लू कलर देखने मिलती है। एंड गाइस, सिर्फ बीच में हमें ब्लैक कलर की बॉडी देखने मिलती है, जो गाइस काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो जाने वाली है। एंड गाइस, यहाँ पे हमारी फ्लेयर की कार्बोनेक्स का स्टिकर हमें लगा हुआ देखने मिलता है, जो गाइस काफ़ी बढ़िया हमें देखने मिलता है। एंड गाइस, ऊपर के साइड से हमें देखें तो पेन गाइस काफ़ी ज़्यादा यूनिक देखने को मिल जाता है, ये दिखे। एंड गाइस, इसको अगर ओपन करें तो गाइस, ओपन करने के बाद ये दिखे 0.7 mm की निब में हमें ये पेन देखने मिल जाता है, जो है 0.7 mm राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है। एंड गाइस, इसकी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, जिसका हम राइटिंग टेस्ट करेंगे तब हमें पता लगता है। तो गाइस, बॉडी की बात करें तो गाइस, बॉडी की जो बैरल हमें देखने मिलती है वो ग्लॉसी फिनिश है, पर क्वालिटी वाइज बॉडी की मुझे थोड़ी सी जो प्लास्टिक की क्वालिटी थोड़ी सी हमें चीप लगती है, क्योंकि गाइस ब्लैक कलर की क्वालिटी है, ये थोड़ी सी चीप क्वालिटी में हमें देखने मिल जाता है। तो गाइस, चलाकर देखते हैं इसका राइटिंग टेस्ट करते हैं ये किस तरह, क्योंकि राइटिंग टेस्ट में ही हमें पता लगे ये पेन किस तरह चलता है। तो गाइस, सबसे पहले इसका राइटिंग टेस्ट कर लें। तो गाइस, यहाँ पे हम लिखते हैं, ये देखिए गाइस, फ्लेयर कार्बोनेक्स जेल पेन। तो गाइस, यहाँ पे हमें फ्लेयर कार्बोनेक्स जेल पेन लिखती है, जो गाइस इसकी इंक की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगी चलने में। जो गाइस, यहाँ हमारा एक्सो का जेल पेन था, उसका भी हमने डिटेल में रिव्यू वीडियो बनाया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वीडियो भी आप जरूर देखना। उसकी भी इंक बिल्कुल हमें इसकी जैसी बिल्कुल सेम हमें देखने मिलती है, क्वालिटी वाइज इंक में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्वालिटी वाइज इंक की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, बस थोड़ी सी बॉडी की चीप हमें देखने मिल जाती है, पर लुक बॉडी की काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हमें लगी। एंड गाइस, चलने में मुझे कोई दिक्कत देखने को मिलती है। तो गाइस, इसी के साथ इसका वाटर प्रूफिंग टेस्ट भी कर लें। तो गाइस, अब हम इसके ऊपर वाटर डालकर हमारा वाटर प्रूफिंग टेस्ट करते हैं। तो गाइस, ये देखिए हमारा पानी डालने के बाद भी हमारी इंक बिल्कुल भी इधर उधर नहीं फैलती। तो गाइस, इसी हिसाब से हमारा वाटर प्रूफ टेस्ट में ये हमारा पेन बिल्कुल पास हो चुका है, क्योंकि जो नॉर्मल पेन होते हैं जेल पेन, उनकी इंक वाटर डालने के बाद बिल्कुल इस तरह फैल जाती है, जिसमें हमारे अक्षर भी दिखने बंद हो जाते हैं। एंड गाइस, चलने में ये पेन बिल्कुल पास हो चुका है, क्योंकि राइटिंग टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हमें दिया इसने। एंड गाइस, चलने में क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मुझे लगी, वाटर प्रूफ टेस्ट भी इसका बिल्कुल पास हो चुका है। तो गाइस, आप सभी ने इसका राइटिंग टेस्ट एंड वाटर प्रूफिंग टेस्ट दोनों तरह आपने देख लिया, तो गाइस दोनों में ये पेन बिल्कुल पास हो चुका है। गाइस, फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी चीप लगी, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी जो प्लास्टिक यूज किया हुआ वो मुझे कम बढ़िया लगा। एंड गाइस, इसकी वैसे चलने में क्वालिटी काफी ज्यादा बेस्ट है, लुक वाइज भी मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लगा। एंड गाइस, मुझे तो लगता है आपके लिए 10 रुपए के हिसाब से ये पेन काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें वाटर प्रूफिंग जेलिंग हमें देखने मिल जाती है। एंड गाइस, काफी बढ़िया क्वालिटी हमें देखने मिल जाती है। एंड गाइस, तो गाइस आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताने कि आपको ये गाइस फ्लेयर का, तो गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताने कि आपके पास ये फ्लेयर का कार्बोनेट जेल पेन है या फिर नहीं। एंड गाइस, आपको ये पेन किस तरह का लगता है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और भी ऐसी स्टेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।